जय हिंद दोस्तों, मैं सोब आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस पर। हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंटरफेज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एम फेज से कंटिन्यू करेंगे। एम फेज बेसिकली क्या है कि जो एम फेज है इसको माइटोसिस फेज भी कहते हैं, माइटोसिस फेज। और जो माइटोसिस फेज है या माइटोसिस डिवीज़न ये जो डिवीज़न है हम लोगों को नॉर्मली वेजिटेटिव सेल में देखने को मिलता है, वेजिटेटिव सेल या डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। इन सेल का एग्जांपल है अपनी स्किन की सेल जो है, नेल्स की सेल, हेयर की सेल, ईटीसी मतलब आँख की सेल, काफ़ी सारी सेल मतलब जो हैं उन मोस्टली जो सेल्स हैं उनमें माइटोसिस डिवीज़न ही देखने को मिलती है। और इन एनिमल के केस में माइटोसिस नहीं होती है, बट फ्यू एक्सेप्शन, जिसमें एग्जांपल है मेल हनी बी में माइटोसिस डिवीज़न होता है। मेल हनी बी में माइटोसिस डिवीज़न होता है। प्लांट की जो सेल होती है वो चाहे डिप्लॉयड सेल या हैप्लॉयड सेल, उन दोनों में ही ना, दोनों टाइप की सेल्स में माइटोसिस डिवीज़न होती है। और जो डिप्लॉयड होता है इसको 2N कहते हैं, और इसको N कहते हैं। 2N का मीन्स है क्रोमोसोम पेयर में होगा, और N का मतलब है क्रोमोसोम पेयर में, और N का मतलब है क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा, क्रोमोसोम अनपेयर होगा। जैसे कि ये कोई डिप्लॉयड सेल है, 2N इक्वल टू मान लो 8 है, 2N इक्वल टू 8। अब इस सेल में हुई माइटोसिस हुई तो ये सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगी, तो 2N इक्वल टू 8। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 8 है और यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो माइटोसिस डिवीज़न को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इस डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर इक्वल अमाउंट में डिवाइड होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 8 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 8 क्रोमोसोम ही जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मान लो अब ये डिप्लॉयड जो सेल है इसमें हुई मियोसिस का मतलब है कि
ये सेल चार सेल में डिवाइड हो जाएगी, चार सेल में डिवाइड हो गई। अब जो क्रोमोसोम नंबर पहुंचेगा वो एन पहुंचेगा, मींस कि फोर, एन इक्वल फोर। तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो घट गया, तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इस डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर घट जाता है। और ये जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलती है। और इसमें क्या है कि एक सेल चार सेल में डिवाइड करती है, देखने को मिलती है। और इसमें क्रोमोसोम का नंबर, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 8 है, तो डॉटर सेल में वो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलती है, जबकि जो माइटोसिस डिवीज़न है इसमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल मात्रा में डिवाइड होता है, मतलब इक्वल अमाउंट में जाएगा दोनों डॉटर सेल में, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। माइटोसिस कैन अकर इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। और जो मियोसिस है डिप्लॉयड सेल्स, और जो मियोसिस है, मियोसिस ओनली अकर इन डिप्लॉयड सेल, मियोसिस ओनली अकर इन डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल। इन एनिमल्स हैप्लॉयड सेल्स नॉट सो माइटोसिस। जो एनिमल की हैप्लॉयड सेल होती है वो माइटोसिस शो नहीं करती है, जबकि इन प्लांट्स बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स सो माइटोसिस। एम फेज में बेसिकली माइटोसिस डिवीज़न होती है, माइटोसिस डिवीज़न देखने को मिलती है, माइटोसिस डिवीज़न देखने को मिलती है एम फेज में बेसिकली माइटोसिस डिवीज़न देखने को मिलती है। और मेजर जो इसमें प्रोग्रेस या काम जो चल रहा होता है वो उसमें आल जो कंपोनेंट है वो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहे हो, मतलब रीऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, सारे जो कंपोनेंट हैं जो सेल्स के अंदर इन एम फेज, वो सारे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहे होते हैं, तभी इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक फेज मींस कि सेल के जो कंपोनेंट रीऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, रीऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, रीऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। कंपोनेंट जैसे कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इनकी जोरा होता है,
ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे डबल हो रहे होते हैं, ऑर्गेनेल सिंथेसिस हो रहे होते हैं, ऑर्गेनेल सिंथेसिस हो रहे होते हैं, और क्रोमेटिन डबल हो रहा होता है, मतलब ये सारी चीज़ें रिऑर्गेनाइज हो रही होती हैं। और बेसिकली एम फेज में टू स्टेप होते हैं, टू स्टेप एम फेज में टू स्टेप होते हैं। नंबर एक कैरियोकाइनेसिस, जब एम फेज स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, न्यूक्लियस डिवाइड, ठीक है। और दूसरा जो स्टेप है वो है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो डॉटर सेल में डिवीजन हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो डॉटर सेल में डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस पे एम फेज स्टार्ट होता है, साइटोकाइनेसिस पे एम फेज एंड होता है, बेसिकली ये सीधा सीधा मतलब एम फेज का है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस बेसिक मीन्स कि इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन होती है, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवीजन। इसमें बेसिकली चार स्टेप होते हैं, चार फेज होते हैं। नंबर एक प्रोफेज, नंबर दो मेटाफेज, नंबर तीन एनाफेज, नंबर चार टीलोफेज, टीलोफेज। और इसको बेसिकली हम लोग याद करते हैं पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये पी मैट करके इसको याद करते हैं। ये सेल साइकिल का, डिवीजन का हम लोग देख रहे हैं, सेल कैसे डिवाइड करती है। तो इसमें ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज, ये हो गया एनाफेज, फिर इसके बाद ये टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये साइटोकाइनेसिस, ये हो गया साइटोकाइनेसिस। और एम फेज का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है, यहाँ से यहाँ तक का, ये लास्ट का 1 आवर है, मतलब सेल जो डिवाइड करती है वो लास्ट के 1 आवर में डिवाइड करती है, सेल डिवाइड। तो अब हम लोग प्रोफेज को एक एक करके सारे फेजेस को समझेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलिए तो प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज बेसिकली क्या है कि प्रोफेज जब स्टार्ट होता है, ये मतलब सेल, सेल में जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, तो इससे पहले क्या है, जी टू फेज चला होता है, जब सेल एम फेज में इंटर कर रहा होता है, इससे पहले जी टू फेज चल रहा होता है। और जी टू फेज में एक्चुअली में क्या हुआ होता है कि जो डीएनए है, वो एस फेज में जो डीएनए डबल हो जाता है, वो उसमें जी टू फेज में होता है,
ये आपका डीएनए, जो सेल में डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो डबल हो चुका है एस फेज में, जो कि G2 फेज में है। और उसी टाइम पे सेल के साइटोप्लाज्म में एक चीज़ और डबल होती है, क्या? सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। जिस टाइम पे न्यूक्लियस में डिवीज़न एस फेज में, न्यूक्लियस में डीएनए डबल हो रहा होता है, उसी टाइम पे सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डबल हो रहा होता है एस फेज में। तो ये G2 फेज की कंडीशन है। G2 फेज में सेल इस तरीके से देखने को मिलती है। फिर जब G2 फेज से सेल प्रो फेज में एंटर करती है, प्रो फेज, प्रोफेज में जब सेल इंटर करती है, तो जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसके पास गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब दिखाई देते हैं। जैसे कि ये हो गया ER, और ये हो गया आपका गॉल्जी बॉडी, और उसी के साथ में न्यूक्लियस में अंदर क्या है, क्रोमेटिन। ये डबल हुआ पड़ा, और साथ में है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गॉल्जी बॉडी, ये हो गया न्यूक्लियो, न्यूक्लियोलस, और साथ में बाहर साइटोप्लाज्म में क्या है, सेंट्रियोल, जो कि अपोजिट पोल पे अरेंज होने लगते हैं। इन प्रोफेज ये हो गया एस्टर, और साथ में इससे ये निकले स्पिंडल फाइबर। ये एस फेज की कंडीशन है। स्पिंडल फाइबर वो, सॉरी, प्रोफेज की कंडीशन है। प्रोफेज में क्या होता है, बेसिकली प्रोफेज में होता है कि प्रोफेज जब स्टार्ट करता है, प्रोफेज स्टार्ट, प्रोफेज स्टार्ट मींस कि अनटैंगलिंग, मतलब जो उलझा हुआ डीएनए है, अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए, उसको सुलझना, मतलब वो सुलझाया जाता है। अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए एंड क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस्ड प्रोफेज में, मतलब जो उलझा हुआ डीएनए है वो सुलझ के क्रोमेटिन की फॉर्म में कंडेंस होने लगता है। क्रोमेटिन स्टार्ट
टू कंडेंस, कंडेंस जिससे कि क्रोमोसोम स्टार्ट टू विजिबल, क्रोमोसोम स्टार्ट टू विजिबल विथ टू सिस्टर क्रोमेटिड। उसके बाद क्या होता है, ये होगी नंबर एक, पहली चीज़ ये होती है। नंबर दो क्या होता है कि सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल। नंबर थ्री, माइक्रो ट्यूब्यूल जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल सेंट्रोसोम के चारों तरफ डेवलप हो जाते हैं, एस्टर फॉर्म हो जाते हैं और एस्टर से फिर स्पिंडल फाइबर अराइज। ठीक है, एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पिंडल अपरेटस। ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर इन प्रोफेज। ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ये बता रहा हूँ मैं कि प्रोफेज में क्या क्या होता है मेनली। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। मतलब टूटने लगती है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो है वो टूटने लगती है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये प्रोफेज में चल रहे होते हैं, प्रोफेज एंड या लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज जो होता है उसमें हमें क्या दिखाई देता है, जब ये सारे प्रोसेस जो हो जाते हैं तब जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होने लगती है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब कुछ डिसअपीयर हो जाते हैं और यहाँ पे सेंट्रोसोम बन जाते हैं, दोनों अपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम मूव कर जाते हैं जो कि एस फेज में साइटोप्लाज्म में डबल हुए थे और उसके चारों तरफ एस्टर फॉर्म हो जाते हैं जिससे कि स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वो सुलझ के, उलझा हुआ जो डीएनए था G2 फेज में वो सुलझ के क्रोमेटिन की फॉर्म में कंडेंस होके क्रोमोसोम
स्टर क्रोमेटिड के फॉर्म में दिखाई देती हैं। टू सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये। जब प्रोफेज एंड हो रहा होता है तो ये वाली कंडीशन हम लोगों को दिखाई पड़ती है, लेट प्रोफेज में ये कंडीशन। मतलब कि लेते हैं ईआर गॉल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, फिर उसके बाद सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर मूव कर जाते हैं, सेंट्रोसोम मूव अपोजिट पोल, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर डिसइंटीग्रेट या डिसअपियर, और जो क्रोमोसोम होता है सिस्टर क्रोमेटिड के फॉर्म में दिखने लगता है, क्रोमोसोम विजिबल इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। और जो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर भी एराइज हो जाते हैं, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर भी अराइज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सब जो प्रोसेस या जो इवेंट्स होते हैं प्रोफेज में, ये वो यही सारे होते हैं। मेटाफेज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, या इसमें प्रोफेज तक हो गया है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, टाटा।